नमस्कार मी दिव्या हुरकाट साम संजीवनी या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आज मनापासून स्वागत आज आपण चर्चा करणार आहोत जन्मजात हृदयरोगाचे निदान आणि उपचार या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत एसआरसीसी हॉस्पिटलचे डॉक्टर सुप्रतिम सेन आणि डॉक्टर गौरव कुमार सर कार्यक्रमात मनापासून स्वागत आहे हाजी अली पार्क येथील नारायणा हेल्थद्वारे व्यवस्थापित एस आर सी सी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल हे एक अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी टर्शरी केअर हॉस्पिटल आहे जे मुलांच्या उपचार करण्यासाठी समर्पित आहे हे रुग्णालय वीस पेक्षा जास्त वैशिष्ट्यांमध्ये अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी वैद्यकीय सेवा प्रदान करतं आणि डॉक्टर सुप्रतिम सेन आणि डॉक्टर गौरव कुमार या हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहेत डॉक्टर सुप्रतिम सेन हे अकरा वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेले सिनियर इंटरव्हेशनल पेड्रिएटिक कार्डिओलॉजिस्ट आहेत त्यांनी एक हजारहून अधिक बालरोग हृदयासंबंधी इंटरव्हेन्शन्स केले आहेत ज्यात असंख्य नवजात इंटरव्हेन्शन्सचा समावेश आहे त्यांचे रुग्ण दीड किलोपेक्षा कमी वजनाच्या मुदतपूर्व बाळांपासून ते जन्मजात हृदयविकार असलेल्या प्रौढांपर्यंत आहेत सिडनी ऑस्ट्रेलिया येथून बालरोग कार्डिओलॉजीमध्ये पुढील फेलोशिप प्रशिक्षणासह त्यांनी भारतातून बालरोग प्रशिक्षण घेतले आहे ते नारायण हेल्थ द्वारे व्यवस्थापित एस आर सी सी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये सीनियर कन्सल्टंट आहेत तसे डॉक्टर गौरव कुमार हे दोन दशकाहून अधिक अनुभव असलेले बालरोग हृदय शल्य चिकित्सक आहेत त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये नवजात आणि जटिल जन्मजात शस्त्रक्रियेचे प्रशिक्षण घेतले आणि हॉस्पिटल फॉर सी किड्स टोरंटी कॅनडा आणि चिल्ड्रन्स नॅशनल सेंटर वॉशिंग्टन येथे फेलोशिपला भेट दिली भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते त्यांना विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले ते नारायणा ना हेल्थद्वारे व्यवस्थापित एस आर सी सी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये सिनियर कन्सल्टंट आहेत आणि आज हे दोघेही जण आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत चला तर मग चर्चेला सुरुवात करूया सर पुन्हा एकदा कार्यक्रमात स्वागत आहे सेन सर माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला आहे सीएसटी म्हणजे नेमकं काय आहे आणि हे सामान्य आहे का सीएसटी म्हणजे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और ये जन्मजात हृदय रोग होते हैं जो बच्चे पैदा होने के टाइम से ही उनको ये रहता है और ये करीबन एक प्रतिशत बच्चों में देखा जाता है हृदय रोग अल तो काय कसा करना का हृदय रोग तर तो इन बच्चों को अलग अलग लक्षण हो सकते हैं कुछ बच्चों को बार बार न्यूमोनिया की बीमारी होती है सर्दी खोखला ताप बार बार हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है ये बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता है फीडिंग के टाइम ज़्यादा घाम आता है इनको और कुछ बच्चे रोते रोते नीला पड़ जाते हैं कुछ बच्चे बेहोश हो सकते हैं और जब ये बड़े होते हैं तो ये जल्दी से थक जाते हैं तो ऐसे लक्षण अगर कोई माँ बाप देखता है उनके बच्चों में तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि फिर हम डिसाइड कर पाए कि इनका आगे जांच करना जरूरी है कि नहीं और उनको सी है कि नहीं वो फिर हमें पता चल जाएगा अच्छा निदान तो हम जब पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इन बच्चों को देखते हैं पहले एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर इन बच्चों का 2D डी होता है जिसमें हमें डायग्नोसिस का पहला पता चलता है उसके बाद कुछ बच्चों का सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम भी होता है और कुछ बच्चों का कार्डिया कैथ यानी कि एंजियोग्राफी का जांच होता है डॉक्टर गौरव सी एच डी पर उपचार करने पर्याय उपलब्ध है सद्या तो बच्चों में जो कंजनाइटल हार्ट डिजीज होती है उसका उपचार बच्चे की बीमारी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर निर्भर है कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ होता है और वो जन्म के साथ ही उनमें लक्षण उभर के आते हैं उनका ऑपरेशन के द्वारा इलाज तुरंत ही करना पड़ता है ऑपरेशन के अलावा बहुत सारी बीमारियां हार्ट की अब ऐसी हो गई हैं जिनका इलाज हम एंजियोग्राफी द्वारा मतलब नस के द्वारा तार डालकर उन छेदों को बंद कर सकते हैं उसके द्वारा भी इनका इलाज हो सकता है अग्दी सर जी बाल वृद्धे शस्त्रक्रिया है या यशस्वी दर नेम कितिया है कारण बाल वृदय शस्त्रक्रिया घर होता तर या यशस्वी दर कितनी है तो शल्यक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आ, लोग इसे घबराते हैं लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ और पिछले दो दशकों में जो बाल शल्य हृदय शल्य चिकित्सा की तरक्की हुई है उसमें के बाद हम विश्वास से ये बता सकते हैं माता पिता को कि अट्ठानबे प्रतिशत बच्चे बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होके घर जाते हैं जिनकी भी हम ऑपरेशन करते हैं एंजियोग्राफी करते हैं अठानबे प्रतिशत बच्चे ठीक होके घर जाते हैं अच्छा मैं याद कही वजन किमान वजन असत का कमीत कमी एवड वज़न तैयार हव कि कमीत कमी वय व जास्तीत जास्त एवडो वय ऐसा कहीं देखिए बच्चों के हृदय में बहुत सारी जटिल तरह की बीमारियां होती हैं अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं कुछ सिंपल है कुछ जटिल हैं तो जो घनिष्ठ बीमारियां होती हैं और जिनमें उनका सिम्टम या उनके लक्षण जन्म के तुरंत बाद ही उभर के आते हैं उन बच्चों को आमतौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत तुरंत ही पड़ती है और इन बच्चों में हम वज़न और वय को देखे बिना ही ऑपरेशन करते हैं पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं स्पेशली जो सिंपल कंजनाइटल हार्ट डिज़ीज़ हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है उनमें हम थोड़ा वेट कर सकते हैं तो हर बीमारी का एक सही समय ऑपरेशन का होता है और सही वजन ऑपरेशन का होता है बीमारियों को ऑपरेशन और एज को इस तरह से मैच करना होता है कि बच्चे को कम से कम रिस्क रहे अग्नि सर पे हृदय जे मोठे छिद्र है तीन शस्त्रक्रिये गरज लगते का लवकर करावे लगे शस्त्रक्रिया का ये भी बच्चों में लक्षणों के ऊपर डिपेंड करता है कुछ बच्चों में बहुत बड़े छेद होते हैं और उनके लक्षण दो तीन महीने के अंदर ही उभर के आ जाते हैं तो उन बच्चों को आमतौर पर ऑपरेशन की शल्य चिकित्सा की ही ज़रूरत पड़ती है कुछ बच्चों के हार्ट में छेद दिल के अंदर जो छेद होते हैं वो छोटे होते हैं वो बच्चे हम मेडिकल मैनेजमेंट में दवाओं पर फॉलो कर सकते हैं और समय आने पर एनजियोग्राफी द्वारा बिना ऑपरेशन के भी उनका इलाज हो सकता है

तो काफी कुछ जन्मजात हृदय लोग का इलाज बिना ओपन हार्ट सर्जरी आजकल हम कर सकते हैं सर, तुम्हें आ, हाथ है, आ, का है, ते सर तो इंटरवेंशनल पेडियोट्रिक कार्डियोलॉजी यानी कि जब हम कुछ इलाज करते हैं होल इन द हार्ट या ब्लॉक्ड ट्वेल्व को जब हम बिना ऑपरेशन के ठीक करते हैं कार्डिया कैथलैब uh, में किया जाता है और ये हम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं तो बच्चों के पैर के नस के द्वारा हम हार्ट के अंदर जाके स्पेशल कैथेटर्स और स्पेशल डिवाइसेस के द्वारा इसका इलाज करते हैं और ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है अच्छा यह सगड़ा प्रोसीजर ला कितनी तो साधारण तो वो डिपेंड करता है प्रोसीजर के uh, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसके ऊपर तो एक से तीन घंटे के अंदर ज्यादा तक प्रोसीजर्स का कंप्लीशन हो जाता है तो डॉक्टर सेन पन याला का ही वयोगटा मर्यादा है का कि वा याद्स वयोगटा तील मुलानी है करा वो असा का या का तो डॉक्टर गौरव ने जैसे आपको बताया हर प्रोसीजर का इंडिकेशन और टाइमिंग डिपेंड करता है बच्चे के सिम्टम्स लक्षण के ऊपर तो अगर बहुत छोटा बच्चे को भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स है बहुत ज्यादा लक्षण है तो हमें उसी टाइम पे उसका उपचार करना पड़ता है तो ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका इलाज ट्रांसकैथेटर इंटरवेंशन के द्वारा हमने देर के जी दो के जी के वजन पे भी किया है अच्छा एस आर सी सी मध्य है कमी वजन वजना चाहे जो बाढ़ हो तो वजन होता तो एस आर सी सी में हमने कैथ के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया था सबसे छोटा बच्चे का वजन था 1.4 जी डॉक्टर हृदय पेशंट बरा का शस्त्रक्रिया करने की गरज है देखिए जो बच्चों के हृदय रोग होते हैं उनका जो इंसिडेंस है मतलब हर तरह का हृदय रोग कितने बच्चों में होता है जो हृदय रोग वाले बच्चे होते हैं उसके हिसाब से हमने देखा है कि 80 प्रतिशत हार्ट की बीमारियां हैं बच्चों में जो एक ही ऑपरेशन में पूर्णतः ठीक हो जाती हैं और बच्चे का जीवन नॉर्मल बच्चों की तरह चलता है तकरीबन 20 प्रतिशत बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको आगे चल के जीवन में दूसरी बार या तीसरी बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा ये स्पेशली उस तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसमें दिल की कोई नस नहीं बनी हुई है और हम उसकी जगह नकली नस लगा रहे हैं तो ये नस बच्चे के साथ ग्रो नहीं करती है बढ़ती नहीं है और समय के साथ उसके हिसाब से छोटी हो जाती है तो उसको बदली करने के लिए हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं दूसरे इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें बच्चों के वैल्व खराब होते हैं तो उसको कभी रिपेयर करते हैं लेकिन समय के साथ रिपेयर क्योंकि बच्चे का के वज़न के साथ मैच नहीं कर पाता है और ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर पाता है तो आगे चल के उनका वैल्व का बदलाव करने के लिए भी ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं अच्छा सर ई सी एम ओ हि एक सेवा ई सी एम ओ मेमक है उपलब्ध है का? तो ई सेवा जो है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन अर्थात जिन बच्चों का दिल या फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं उनके शरीर में क्या खामियाँ होती हैं दिल हमारे पूरे शरीर को खून पहुँचाता है फेफड़े हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं तो ये जो ई मशीन है ये एक स्पेशल मशीन होती है जो बच्चे के शरीर के साथ हम नसों द्वारा कनेक्ट करते हैं और वो बच्चे के फेफड़े और दिल का काम दोनों करती है जब तक बच्चे के फेफड़े या दिल रिकवर नहीं कर जाते अपने आप इससे ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चा के जान बचने के चांस नहीं थे उसको हार्ट को यानी कि दिल को और फेफड़े को सपोर्ट करके हम उस बच्चे के बाकी शरीर का जीवन मेंटेन रखते हैं और जब ये दोनों अंग रिकवर कर जाते हैं तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है तो ये फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और ये ई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है इसको चलाना कभी कभी बच्चे दो हफ्ते सप्ताह तीन सप्ताह चार सप्ताह तक सपोर्ट कर सपोर्ट करने पड़ते हैं और हमारा हॉस्पिटल जो है ये इसमें पूर्णतः निपुण है और ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे हॉस्पिटल में प्रदान की जाती है अगदी सर खरं तर खूप छान असं मार्गदर्शन डॉक्टर सेन आणि डॉक्टर गौरव कुमार आपल्याला करतायत तुम्हाला अधिक माहिती अधिक प्रश्न किंवा शंका तुमच्या मनात असतील तर तुम्ही नक्कीच सरांना संपर्क करू शकता त्यासाठी सध्या एस आर सी सी हॉस्पिटलचे संपर्क क्रमांक तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहेत ते तुम्ही आवर्जून नोट करून घ्या त्यांचा पत्ताही सध्या तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतोय तोही तुम्ही नोट करून घ्या आणि तिथे जाऊन तुम्ही एस आर सी सी हॉस्पिटलमध्ये सगळ्या डॉक्टरांना प्रत्यक्ष भेटू शकता त्यांचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेऊ शकता कार्यक्रमात वेळ एक छोट्याशा ब्रेकची पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत हृदय विकाराचे निदान आणि त्यावर उपचार याबद्दल आज आपण चर्चा करतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत एस आर सी सी हॉस्पिटलचे डॉक्टर सेन आणि डॉक्टर कुमार आ, पुन्हा एकदा ब्रेक नंतर तुमचं स्वागत आहे सर डॉक्टर गौरव कुमार हृदया के शस्त्रक्रिये नर रुगण कहीं निर्बंध आता का लसीकरणाच कस देखिए ये जो हार्ट सर्जरी का पूरा प्रोसीजर होता है ये हम कार्डियोपल्मोनरी बायपास पे करते हैं मतलब हार्ट को रोककर उसको रिपेयर करते हैं उसके अंदर की जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं और फिर हार्ट को वापस चलाते हैं जब बच्चे का दिल थमा हुआ होता है तो उस समय उसके शरीर का पूरा खून का प्रवाह एक मशीन द्वारा चल रहा होता है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी बायपास मशीन बोलते हैं इसका एक इफ़ेक्ट पूरे शरीर पे पड़ता है कि हमारे शरीर में कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है जिसको कि हम इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं वो कुछ समय के लिए दब जाती है या कम हो जाती है आम तौर पर नॉर्मल बच्चों को जब हम वैक्सीनेशन देते हैं या टीकाकरण करते हैं उनका तो उनका शरीर उस टीके के अगेंस्ट जो टीके में कीटाणु हैं या जो बीमारी है उसके अगेंस्ट अपने शरीर के में लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस करता है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं हार्ट सर्जरी के बाद जो इम्यूनिटी दबी रहती है उस दौरान साइंस के अनुसार हमारा ये मानना है और जो हम मरीजों को सलाह देते हैं कि बच्चों का छह सप्ताह तक कोई टीकाकरण नहीं कराना चाहिए छह सप्ताह के बाद जब हम टीकाकरण करते हैं उन बच्चों का तो उनके शरीर में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है जो उनके शरीर में लड़ने बीमारी से लड़ने की क्षमता आती है वो नॉर्मल बच्चों की तरह आती है तो हमारा माता पिता से यह एडवाइस होती है उनको कि बच्चों की जो टीकाकरण है वो ऑपरेशन के छः सप्ताह बाद ही कराएं इसमें अगर नवजात शिशु है मान लीजिए और उसका जो टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो हम डे जीरो से मानते हैं छः सप्ताह के बाद और उसका पूरा पहले साल का टीकाकरण उसी हिसाब से होता है अगदी सर सर जी शस्त्रक्रिया है आता बात समझा शस्त्रक्रियान आयुष्य सामान्य ये बच्चे नॉर्मल लाइफ ही तकरीबन हर ऑपरेशन के बाद ये बच्चे चार से छः हफ्ते में बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं और तीन महीने बाद अगर उनके दिल का हमने पूरा रिपेयर कर दिया है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हम बीच में एक ऐसा ऑपरेशन करते हैं जिसको हम पैलिएटिव सर्जरी कहते हैं मतलब पूरा रिपेयर करने से पहले एक छोटा प्रोसीजर करते हैं जो उस बच्चे को पूरे रिपेयर के ऑपरेशन के लिए फिट करता है इन बच्चों में थोड़ा सा खेलकूद या खान पान के स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो सेकेंड सर्जरी के बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं अग्दी डॉक्टर सैन मैं तुम ये पहला बाड़ाला जर का सी एच डी अल तो दूसर बाला बा सी एच डी गरजे चाहिए चांसेस है कि सी एच डी अल तो ऐसा देखा गया है कि अगर एक आ, बच्चे को सी है तो दूसरा या तीसरे बड़े को सी होने का चांस चार प्रतिशत होता है कभी कभी बच्चों को सिंड्रोम होता है सिंड्रोम में सी के अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जैसे कि ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकता है किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है तो इन बच्चों को सी एच डी का रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है कभी कभी 20 प्रतिशत तीस प्रतिशत भी हो सकता है और अगर एक बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है हम एडवाइस करते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी थर्ड प्रेगनेंसी के टाइम एक फीटल एको किया जाए ये फीटल एको एक स्पेशल जांच होती है जो कि हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं और ये प्रेगनेंसी के चौथे पा या पांचवे महीने पे किया जाता है और इस एको में हमें ये पता चल जाता है कि मेजर कुछ हार्ट डिफेक्ट बेबी में है या नहीं है तो अगर ऐसा कुछ मेजर हार्ट डिफेक्ट है तो फिर हम पेरेंट्स को माँ बाप के साथ बात करके प्लानिंग कर सकते हैं डिलीवरी का ताकि डिलीवरी एक कार्डियक सेंटर में हो ताकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम स्पेशलिस्ट फिर बच्चे का इलाज इमीजिएटली शुरू कर सकते हैं और फिर उनका आउटकम बेटर होता है इनका इलाज ठीक टाइम पे होगा तो उसका रिजल्ट भी बेटर होता है और आगे जाके ये बच्चे फिर नॉर्मल जिंदगी जीते हैं सर हाँ तो हेरिडिट्री यानी कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं तो अगर कोई बच्चे को किसी हेरिडिट्री या जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण सी है तो स्पेसिफिक सिंड्रोम्स में कुछ किस्म के सी एच डी देख देखे जाते हैं और उसके साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जैसे कि ग्रोथ डेवलपमेंट दूसरे सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं डॉक्टर गौरव जे जन्मजात बाड़ है काय प्रतिशत संख्या मुलामदे हा रोग बढ़ा हृदय रोग तो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो हमने देखा है कि अगर हज़ार बच्चे पैदा हुए तो उसमें सात से दस बच्चों को किसी तरह की हार्ट की बीमारी होगी जिन बच्चों में अनुवांशिक बीमारियाँ या हेरिडिटरी बीमारियाँ हैं जेनेटिक बीमारियाँ हैं उसमें ये हृदय रोग का इंसिडेंस या उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और कुछ अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम या दूसरे तरह की जेनेटिक बीमारियां उनमें इंसिडेंस 20 से 30 परसेंट तक देखा गया है अगली सर पन सर पद मेडिकल फैसिलिटीज एवड्या सगली कड़े जेवड़े आजाराढ़ता है मेडिकल फैसिलिटीजन वाड़ता है म अ टाइम मध्य प्रश्न पड़ता कि एस आर सी सीज का एस आर सी सी कड़े का देखिए एस आर सी सी में दो या तीन ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं बच्चों के लिए प्रथम तो यह है कि ये प्योरली बच्चों का हॉस्पिटल है तो जो पूरी टीम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है इनकी स्पेशलिटी और कंसंट्रेशन बच्चों के इलाज के ऊपर ही है दूसरा ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब बच्चों की हर तरह की बीमारी के बहुत ही उच्च वर्ग के ट्रेन स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल में हैं जो बच्चों के शरीर के हर अंग की स्पेशलिटी मान लीजिए फेफड़े का है तो उसके लिए पल्मोनोलॉजिस्ट अवेलेबल है किडनी रोग है उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट बच्चों का स्पेशली ट्रेन अवेलेबल है ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है और हार्ट डिजीज़ के लिए हमारी एक बहुत ही क्लोजली नेट और बहुत ही लार्ज टीम है जिसमें तकरीबन 12 से 15 स्पेशलिस्ट हैं जिसमें कार्डियक सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट इंटेंसिव केयर जो आईसीयू में बच्चों के ऑपरेशन के बाद देखभाल करते हैं एनेस्थेटिस जो बच्चों के बेहोशी करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट uh, बच्चों के जो बच्चों के फेफड़े और हाथ पैर की फिजियोथेरेपी करते हैं ऑपरेशन के बाद हाईली ट्रेन पीडियाट्रिक कार्डियक नर्सेस जो बच्चों की देखभाल करती हैं ऑपरेशन के बाद आई में परफ्यूजनिस्ट जो स्पेशली ट्रेंड बच्चों की हार्ट लंग मशीन चलाने के लिए होते हैं तो इस तरह का जो ये ग्रुप बना हुआ है ये इतनी हाईली ट्रेन और हाईली स्किल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि कि इसकी कारण ही हमारे रिजल्ट उच्चतम दर्जे के और विश्वव्यापी दर्जे के रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर पाए हैं कंसिस्टेंटली पिछले सालों में अग्नि सर खूब छान मार्गदर्शन डॉक्टर सेन डॉक्टर कुमार अपने तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील अजून शंका असतील खरं तर खूप नाजूक विषय आहे तर प्रश्न असणं स्वाभाविक आहे आणि ते प्रश्न तुम्ही थेट सरांना विचारू शकता आणि त्यांचं मार्गदर्शन घेऊ शकता त्यासाठी सध्या जे संपर्क क्रमांक तुम्हाला टी व्ही स्क्रीनवरती दिसत आहेत ते तुम्ही आवर्जून नोट करून घ्या तुम्ही सरांचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शनही घेऊ शकता त्यासाठी पत्ता एसआरसीसी हॉस्पिटलचा पत्ता तुम्हाला इथे दिसतोय तोही तुम्ही नोट करून घ्या आणि नक्कीच सरांचं मार्गदर्शन घ्या डॉक्टर सेन आणि डॉक्टर कुमार तुम्ही इथे आलात खूप छान असं मार्गदर्शन आम्हाला केलं त्यासाठी खूप खोग खूप आभार साम संजीवनीमध्ये वेळ होते आज इथेच थांबण्याची मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा साम टी